गेम पैड गेम पैड गेम पैड गेम पैड के रिव्यूज कहाँ हैं? तो तुम्हारे इतने प्यार से पूछने के बाद गेम पैड का रिव्यू आ गया फाइनली। हमारे पास है कॉस्मिक बाइट कैलिस्टो वायरलेस गेम पैड। अभी ना एक दो महीने पहले 5 गेम पैड की वीडियो बनाई थी, एक ही वीडियो में 5 गेम पैड रिव्यू करे थे। उसके अंदर रेड गियर वायरलेस प्रो रिव्यू किया था हमने। तो जो कॉस्मिक बाइट कैलिस्टो है वो सेम रेड गियर वायरलेस प्रो की तरह दिखता है, क्योंकि जो हमारा रेड गियर प्रो है वो 1650 का आता है और जो हमारा कैलिस्टो है वो 1440 रुपीज का आता है। तो दोनों में प्राइस का डिफरेंस है, तो क्या रेड गियर प्रो बढ़िया है और कैलिस्टो बेकार है, या कैलिस्टो अच्छा है कम प्राइस में, तो वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। कैलिस्टो के बॉक्स में आपको एक वायरलेस रिसीवर मिलता है, एक डाटा केबल मिलती है और एक यूजर मैनुअल मिलती है। से दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको रेड कलर की स्ट्रिप मिलती है और यहाँ पे व्हाइट कलर की है, और ये स्ट्रिप के अंदर लाइट जलती है जब हम इसको पीसी से कनेक्ट कर देते हैं। और बैक से अगर एक चीज देखोगे, ये हमारा रेड गियर वायरलेस प्रो है, ये हमारा कैलिस्टो है, इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा बटन मिलते हैं। ये जो दोनों बटन है ये मैक्रो कीज है जो आप इजिली कस्टमाइज कर सकते हो। मैक्रो कीज काफी लोगों को तो पता होगी, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये जो आपके कंट्रोलर के 4 बटन है ABXY, ये चारों बटन में से कोई भी की आप नीचे वाले 2 बटन पे असाइन कर सकते हो थ्रू टर्बो बटन, और वो कैसे करना है वो इसकी मैनुअल में लिखा है, उसमें आपको गेमिंग बेनिफिट मिल सकता है। मान लो आपका हिट वाला जो बटन है वो आपको टैप टैप करना पड़ रहा है, तो आप उसको पहली मैक्रो की पे सेट कर दो, जस्ट आप उसको होल्ड करके रखो तो वो गेम में लगातार लगातार हिट करता रहेगा, तो वहां पे वो आपको बेनिफिट दे सकता है। ये कैलिस्टो का प्लस पॉइंट है। फिर चाहे आप एमुलेटर वाली गेम खेल रहे हो या विंडोज पे कोई भी गेम खेल रहे हो, ये लिटरली काम आने वाली चीज है। दोनों के जो बिल्ड है प्लास्टिक की वो बिल्कुल सेम है, मेरे को ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लगा, बिल्कुल सेम क्वालिटी का प्लास्टिक इन दोनों के अंदर यूज हुआ है, और ग्रिप भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि रेड गियर प्रो के अंदर भी इधर ग्रिप बनी है और कैलिस्टो के अंदर भी ग्रिप बनी है, बस कैलिस्टो का साइज थोड़ा छोटा है, बट होल्ड करने में बिल्कुल सेम फीलिंग आती है दोनों के साथ। रेड गियर प्रो का जो वेट है वो 209 ग्राम्स है और कैलिस्टो का वेट भी एज इट इज 209 ग्राम्स है, तो इससे ही पता चल जाता है कि बिल्ड क्वालिटी में 1% भी फर्क नहीं है। दिखने में भी सेम है, बिल्ड क्वालिटी भी सेम है, प्लास्टिक भी सेम है, सेम टू सेम है। अब दोनों के दोनों वायरलेस है, तो दोनों की जो वायरलेस रेंज है वो 6 to 8 meters है, जो प्रैक्टिकल रेंज है। वैसे दोनों के बॉक्सेस में 8 meter और 10 meters लिखे हैं, बट प्रैक्टिकली 6 to 8 meters चल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा करो भी गया इतनी दूर बैठ जाओगे, अगर टीवी और लैपटॉप से अपने पीसी से कुछ दिखेगा ही नहीं स्क्रीन में, तो ऐसे अंधपने में गेम खेल के तो कुछ फायदा है नहीं ना, तो 1-2 meter ही बहुत होता है। और बैटरी बैकअप मैं दोनों का टेस्ट कर चुका हूं, 7 to 8 hours का बैटरी बैकअप मिल जाता है, और भाई 7 to 8 hours बहुत होता है। अगर तुम बिल्कुल ही वेले हो, मतलब पूरे सुबह शाम गेम खेलने, तो एक दिन खेल लोगे और दिन में 1-2 घंटे खेलने वाले हो, तो एक हफ्ता आराम से फुल पावर भाई साहब बैकअप। अब गेम पैड है तो गेमिंग की बात कर लेते हैं। दोनों के दोनों आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे भी सपोर्ट करते हैं, एंड्रॉइड टीवी पे भी सपोर्ट करते हैं, और ऑब्वियसली विंडोज पे तो करते ही हैं। तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस मेरे को दोनों के अंदर सेम लगा, ऐसा कोई एर्गोनॉमिक्स में कोई डिफरेंस नहीं था, बट मेजर डिफरेंस आपको बताता हूं, जो हैप्टिक फीडबैक है, जो वाइब्रेशन है, वो कैलिस्टो का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और रेड गियर प्रो का एकदम स्मूथ है। तो अगर आपको एकदम बढ़िया कंपन चाहिए अपने हाथों में तो आप कैलिस्टो ले सकते हो, और अगर स्मूथ वाइब्रेशन चाहिए तो आप रेड गियर प्रो की तरफ भी जा सकते हो। और अगर इनके ट्रिगर्स के बारे में बताऊं तो कैलिस्टो के स्मूथ है और रेड गियर प्रो के थोड़े से हार्ड है, इतने भी हार्ड नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस अगर एक साथ चलाओगे तो ही पता चलेगा, वैसे इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, दोनों ही बढ़िया हैं। और एक मेजर डिफरेंस, रेड गियर प्रो के साथ आपको ऐसी 2 डोंगल्स मिलेगी इस साइज की, और कैलिस्टो के साथ एक लंबी इस तरीके की डोंगल मिलती है। कॉस्मिक बाइट वालों का कहना है कि लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलेगा लंबी डोंगल से, अब मुझे लगा कि लैग टेस्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी तुम लोगों का बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि वायरलेस गेम पैड्स में लैग तो नहीं होता, कि मतलब इंस्टेंट इनपुट जाता जाता, तो एक लैग टेस्ट किया उस पर नजर मान लो। तो मैं बताऊं सच में, अगर रेड गियर वायरलेस प्रो में थोड़े से आपको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो एक आपको डोंगल एक्स्ट्रा मिल रही है, अगर आप कैलिस्टो की तरफ जाते हो तो आपको 2 डेडिकेटेड मैक्रो बटन्स मिल जाएंगे। बाकी ओवरऑल दोनों में एज सच कोई डिफरेंस मेरे को नहीं लगा कि हाँ कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार, दोनों ही अपनी अपनी जगह एकदम बढ़िया है। तो आपकी जेब में किस हिसाब से पैसा है, आपको कैसा गेम पैड लेना है, कौन से वाला चाहिए कौन से वाला नहीं चाहिए, या चाहिए ही नहीं आते तो मुझे पता मजे लेने के लिए वीडियो देख रहे हैं, वो तो लाइक कर दो फटाफट से, और बाकी लोग तो खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ बाय करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।